ग्वालियर कांग्रेस 13 मार्च को प्रदेश सरकार की जन विरोधी दमनकारी नीतियों के खिलाफ भोपाल में प्रदर्शन करने जा रही है। ग्वालियर चंबल संभाग से भी राजभवन के घेराव के लिए बड़ी संख्या में लोग जा रहे हैं, साथ ही 500 से ज़्यादा कांग्रेस के लोग आंदोलन में शिरकत करने जा रहे हैं। ये विरोध जवाहर चौक से शुरू होगा और राजभवन पर खत्म होगा। आंदोलन के बारे में जानकारी देते हुए शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेंद्र शर्मा ने बताया कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा लिए गए फैसले के चलते विभिन्न जन समस्याओं को लेकर राजभवन का घेराव और विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ, कांग्रेस के प्रभारी महासचिव पूर्व सांसद जेपी अग्रवाल सहित अन्य लोग मौजूद रहेंगे। जो है 13 मार्च को भोपाल में माननीय कमलनाथ जी ने आह्वान किया है कि सभी कांग्रेस के लोग वहां पर उपस्थित रहेंगे और जवाहर चौक से राजभवन के लिए कूच करेंगे। जिस तरह से आज मध्य प्रदेश में महंगाई है, बेरोजगारी है, जिस तरह से तमाम समस्या है, महिला उत्पीड़न की समस्या है, संवैधानिक संस्थाओं पर जिस तरह से प्रहार हो रहा है, ये सारी चीज़ों को लेके यहाँ पर अधिक से अधिक संख्या में सभी जिलों से लोग पहुँच रहे हैं। अपने ज़िले से भी ग्वालियर से लगभग 500 लोग पहुँच रहे हैं।